at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing. Take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. To worship before you in your presence, my joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 22 और 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो उसने कहा है। अब यहां पर यीशु इस वचन के भाग में हमें विश्वास के बारे में सबसे बड़ी शिक्षा देता है। उस अंजीर के पेड़ से कहने के बाद जब उसने कहा कि अब से कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा, 24 घंटों के बाद में चेलों ने पाया कि वो पेड़ जड़ से ही सूख गया है। उन्होंने यीशु से कहा, रब्बी, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया। उन्होंने कहा, जो तूने कहा वैसे ही हुआ है। और यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। दूसरे अनुवाद कहते हैं कि परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो, या परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो। वो यही कहना चाहता था, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखो नहीं, लेकिन मेरे जैसे विश्वास रखो। यही उसने कहा, परमेश्वर जैसे विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास तो देखकर विश्वास कर रहा था। उसका विश्वास क्या था? इस तरह का विश्वास, ऐसा विश्वास था जो पहाड़ हिला देता है। और ये विश्वास करके कहता है, और ये विश्वास करता है कि वो जो कुछ भी कहता है वो हो जाएगा। ये उसकी तरह का विश्वास है। इस तरह का विश्वास तो परमेश्वर में है और वो उसी के द्वारा काम करता है। और फिर वो कहता है, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कुछ भी वो कहता है वो हो जाएगा, तो जो कुछ भी कहा वो हो जाएगा। वो कहता है केवल मैं ही इस विश्वास में काम नहीं करता हूं, तुम भी कर सकते हो। केवल पेड़ से ही कहना नहीं, लेकिन तुम पहाड़ से भी कह सकते हो। यदि तुम पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और दिल में संदेह न करें पर विश्वास करें कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो जो भी कहा है वो हो जाएगा, यही इसका मतलब है। अब वो कहता है कि तुम भी इसी तरह के विश्वास में काम कर सकते हो, उसमें इसी तरह की सामर्थ होगी यदि तुम उसी विश्वास में काम करो जिसमें मैं काम करता हूं, उसने कहा। यहां वो एक छोटी सी शर्त रखता है, बहुत ही दिलचस्प शर्त है। वो शर्त ये है, यदि मन में संदेह न करे। वो कहता है कि तुम पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, लेकिन अपने मन में संदेह न करे, अपने दिल में, लेकिन अपने मन में संदेह न करे। हम ये कह रहे हैं कि कैसे ये विश्वास दिल का विश्वास है। दिल ही वो है जिसके साथ हमें व्यवहार करना है कि हम विश्वास में बढ़ सके। विश्वास में बढ़ना है तो आपको अपने दिल को समझना ही होगा, आपको दिल में विश्वास रखना होगा, आपको अपने दिल से अविश्वास, संदेह को निश्चित ही निकाल देना होगा। यानी हम अविश्वास के चिन्हों को यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने अविश्वास के बारे में चर्चा की। मैंने बताया कि संदेह क्या है। याकूब अध्याय 1 में बाइबल इस तरह कहती है, जो मनुष्य संदेह में, अविश्वास में जीता है वो हवा के बहाव में बहता है। यानी ऐसी लहरें जो हवा से चलाई जाती हैं, लहरें ऊपर उठती है, नीचे जाती है। मनुष्य ऐसी होता है। जब मनुष्य संदेह करता, ऊपर नीचे जाता है। वो कहता है हाँ सब कुछ मेरे साथ में अच्छा होगा, एक पल में कहता है हाँ प्रभु वचन पर विश्वास करता, जैसे कहा है वैसे ही हो जाएगा, और फिर अगले ही पल हिम्मत हार जाता, कहता है नहीं मुझे नहीं लगता ये होगा। और वो बस ऐसे ही चलते रहता है, ऊपर नीचे, बस लहरों के समान होता जो हवा से चलाई जाती है। ऐसा मनुष्य ये न सोचे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, ये कहता है। लेकिन यदि मनुष्य उस बात को हल कर दे, यदि मनुष्य उस तरह के संदेह से दूर ही रहें जहां वो संदेह से चलता है, यदि वो संदेह से दूर हो जाए तो ऐसा मनुष्य प्रभु से कुछ भी पा सकता है। सच में इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। अब मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा आगे बढ़ें और संदेह के बारे में और ज्यादा अच्छे से देखते जाएं। संदेह का एक सबसे बड़ा चिन्ह तो है चिंता। मैं सोचता हूं हमें निश्चय इसे जानना होगा, आपको दिखाना होगा और मुझे ये दिखाना होगा ये कैसे काम करता है और हमें इसके साथ में क्या करना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा चिन्ह जो कि संदेह के बारे में है, संदेह से भरे दिल के बारे में, वो व्यक्ति चिंता से भरा है। अगर आप चिंता से भरे व्यक्ति को देखते हैं, वो संदेह से भरा हुआ है। प्लीज मेरे साथ में निकाले फिलिपियों अध्याय 4:6, किसी बात की चिंता मत करो परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अब यहाँ पर संदेह शब्द कहाँ है? यहाँ पर अगर किंग जेम्स वर्जन में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर संदेह शब्द नहीं आता है, लेकिन चलिए लिविंग बाइबल से पढ़ते हैं और दूसरे बहुत से अनुवाद यहाँ पर शब्द उपयोग करते हैं। संदेह शब्द का उपयोग करते यहाँ चिंता के बजाय। कुछ बाइबल चिंता या परेशानी के बारे में शब्द उपयोग करती है। किसी बात की चिंता न करो, इसके बजाय किसी बात की परवाह न करो, ये कहती है चिंता न करो। लेकिन लिविंग बाइबल इस तरह से कहती है, किसी बात की चिंता न करो। सब लोग कहें किसी बात की चिंता न करो। मुझे लिविंग बाइबल और एम्पलीफाइड बाइबल पसंद है क्योंकि बहुत ही सरल है। किसी बात की चिंता न करो, इसके बजाय हर बात के लिए प्रार्थना करो। प्रभु को अपनी जरूरत बताओ और उसके जवाब के लिए उसे धन्यवाद देना न भूलना। क्या यह अद्भुत नहीं? प्रभु को जरूरत बताएं और धन्यवाद देना न भूलें उसके उत्तर के लिए। लेकिन बात तो यह है, किसी बात की चिंता न करें, किसी बात की परवाह न करें। क्या सच में इसका मतलब है कि किसी बात की हमें परवाह नहीं करनी है? अगर यह सत्य है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, अगर यह बाइबल की आज्ञा है और यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का महान जन पौलुस से सिखाता है कि किसी बात की तुम चिंता न करना, क्या यही अर्थ है कि किसी की चिंता न करना? ये सब कहने के बाद क्या आपको लगता है कि इसके बारे में और भी विवरण चाहिए कि हम किसी बात के बारे में चिंता न करें? बिल्कुल। क्या संसार में और कोई कारण है कि क्यों आपकी चिंता सही हो? शायद सही हो। खैर कुछ लोग ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं ब्रदर, ये प्रचार करना अच्छा है चिंता न करें, ये अच्छा विचार है। लेकिन असलियत में चिंता न करने में कैसे मदद करेंगे? जब कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, जब कुछ चीजें उभर कर आती हैं, आप पर छा जाती है और वो इतनी बड़ी होती हैं, इतनी मुश्किलों से भरी होती हैं। बहुत मुश्किल होती है तो चिंता के सिवा और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस चिंता करते हैं कहते, यानी ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं वो कहते हैं कि आपको चिंता करनी है और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात तो यह है कि आपका अनुभव है, आप अपने अनुभव से ये कह रहे हैं कि आप जान रहे हैं, आप कह रहे हैं खैर मेरा अनुभव ये कहता है कि अनुभव से कहा जाए तो चिंता किए बिना रहना तो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां चिंता करनी है, आप चिंता करते हैं, ये तो अनुभव की बात हो गई है। कई बार आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके आसपास के दूसरे लोग कहते हैं नहीं, कुछ नहीं कर सकते। केवल प्रचारक ये कहते हैं कि चिंता ना करें, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो यह दिखाता है कि यह असंभव है, बिना चिंता के नहीं रह सकते हैं, चिंता के बिना कैसे जिए, यह असंभव वो कहते हैं। यानी अनुभव यहाँ पर कहता है हाँ ये बात सच है कि आप चिंता के बिना नहीं रह सकते कुछ परिस्थितियों में, और आपके दोस्त ये कहते हैं, दूसरे ये कहते हैं हाँ ये सच है, बाइबल कहती है कि चिंता न करना, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर वो भी है जो बाइबल कहती है, बाइबल कहती है किसी बात की चिंता न करना। कौन सा सत्य है? क्या आपने निर्णय लिया है? मैंने कुछ समय पहले ये निर्णय लिया है, मैंने निर्णय लिया कि मेरे अनुभव शायद मुझसे कुछ कहे। ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको बस चिंता करते जाना है, लेकिन मैं अपने अनुभवों पर विश्वास नहीं करूंगा। मैंने सुना है संसार की फिलॉसॉफी, लोगों के विचार, लोगों के आइडिया, उनके दृष्टिकोण सुने हैं, वो कहते हैं चिंता के सिवा कुछ मार्ग नहीं। मैं लोगों पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि प्रभु वचन कहता है कि किसी बात की चिंता न करे, ये मुझे बताता है कि मुझे विश्वासी के रूप में किसी बात की चिंता नहीं करना, मैं ऐसे हो सकता हूँ। ये संभव है कि मैं चिंता के बिना रह सकता हूं और मैं चिंता किए बिना रह सकता हूं। आमेन। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां आप केवल चिंता कर सकते हैं, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है। यह तो केवल चुनाव की बात है, यह हमारे निर्णय लेने की बात है कि हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि चिंता न करें। हम ऐसा कर सकते हैं, बस विश्वास करना है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अब ये आज्ञा है, लेकिन नए नियम में सबसे ज्यादा भंग की गई आज्ञा है। जरा आप सोचिए, ये बाइबल की आज्ञा है, लेकिन सबसे ज्यादा भंग की गई आज्ञा है। कई बार लोग चिंता करते हैं, और जब आप चिंता के बारे में कहते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। वो कहते हैं मेरे प्रभु, मैं बस चिंता कर रहा हूं, यहां वहां थोड़ी सी, मैं तो केवल एक मनुष्य हूं। जानते हैं आप मुश्किल क्यों कर रहे हैं? मैं बस चिंता कर रहा हूं, थोड़ा बहुत कभी चिंता करता हूं, उसमें क्या गलत है? लेकिन बाइबल स्पष्ट सिखाती है कि हमें चिंता के बिना जीना है। जरा सोचिए कि आपका जीवन कैसा होगा अगर आप चिंता के बिना जीवन जीते हैं दिनों दिन, तो फिर यह आपके लिए कैसा होगा? अगर आप डगमगाते हैं, बाइबल कहती है, अगर आप चिंता करते हैं, डगमगाते हैं, बाइबल कहती है, तो प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। ये ना सोचिए कि प्रभु से आपको कुछ मिलेगा, इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। अगर आप नहीं डगमगाएं, अगर आप अपनी दृष्टि प्रभु वचन पर लगाए, प्रभु वचन जो कहता है उस पर विश्वास करें, दुचित्ते ना हो लेकिन एक ही मन के हो, तो आप प्रभु से कुछ भी पा सकते हैं। मेरे साथ निकाले मत्ती अध्याय 6 और चलिए वचन 22 से पढ़ते हैं। शरीर का दिया तो आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। वो कहता है शरीर का दिया तो आंख है। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आंख आपके शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपकी आंखें अच्छे से काम कर रही तो आप जगह जगह पर जा सकते हैं। ये ज्योति है आपके शरीर की। अगर आंखें सही है तो आप जगह पर जा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। जानते हैं ये कह रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, आपका मन कहां पर है, आपके विचार कहां पर है, कहां पर गौर कर रहे हैं। यदि वो सही होगा तो बाकी सब ठीक होगा। सामान्य रूप में जैसे आंख तो शरीर के लिए है, आपका दृष्टिकोण आप कैसे सारी चीजों को देखते हैं, ये आपके सारे जीवन के क्षेत्र में काम करता है। आप सारी चीजों को कैसे देखते, सारी चीजों के बारे में एक मन के हैं। देखिए इसी के बारे में ये कहता है यदि तेरी आंखें एक हो। मुझे पसंद है, यह उतना अच्छे से दूसरी बाइबल में नहीं आया, इसलिए मुझे एक अलग अनुवाद से आज सुबह प्रचार करना पड़ा, क्योंकि एक अनुवाद में इस तरह ये कहता है कि यदि तुम्हारी आंखें साफ हो, ये उतना स्पष्ट नहीं है। यदि तुम्हारी आंखें साफ हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह अच्छा, यह कहता है कि अगर तेरी आंखें एक हो। हमने दुचित्ते के बारे में देखा है। ये डबल क्या है? डबल तो वो है जहां आप दोनों बातों के बीच में थपेड़े खाते रहते हैं। एक कहता मैं कर सकता हूं, दूसरा कहता मैं नहीं कर सकता। एक कहता है प्रभु वचन सत्य है, दूसरा कहता है शायद वो सत्य नहीं है। एक कहता है हाँ मैं चंगा हो जाऊंगा, दूसरा कहता है नहीं। एक कहता है हाँ प्रभु मेरी जरूरत पूरी करेगा, दूसरा कहता है नहीं। डबल ये संदेह है। अब ये कहता है यदि तेरी आंखें एक हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि संदेह करने के बजाय, इसके बजाय कि अपना ध्यान लगाए या अपनी आंखों से दो चीजों को देखने के बजाय प्रभु के वचन और अपनी परिस्थिति को, परमेश्वर का वचन और आपकी परिस्थिति, परमेश्वर का वचन और आपकी मुश्किलें, परमेश्वर का वचन और हर समय आपकी समस्याएं, और हमेशा बस थपेड़े खाते रहना परमेश्वर के वचन और आपकी परिस्थिति के बीच में, इन दोनों चीजों के बीच में बस यामा घूमने के बजाय और दुचित्ता होने के बजाय तुम्हारी दृष्टि एक ही हो। अब आप समझिए, ठीक है? आपकी अगर दृष्टि एक हो, अगर आप बस एक ही बात के ऊपर में गौर करते जाते हैं, बस एक बात को देखें, आप किसकी ओर देखेंगे? एक तो आप समस्या को देख सकते हैं, परिस्थिति को, या प्रभु वचन को कि प्रभु ने क्या कहा है। मैं परमेश्वर के वचन को ही देखूंगा। यदि आप केवल प्रभु के वचन पर गौर करें तो बाकी सब कुछ ठीक होगा। ये कहता है यही तो इसका सामान्य अर्थ है। अब आप ये नहीं सोचते कि इसका कोई सामान्य अर्थ है, तो इसके बाद के कुछ और वचन पढ़ लें। देखिए, वचन 22 आंखों के बारे में कहता है, वचन 23 भी आंखों के बारे में कहता है, और वचन 24 से कहता है कि दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। फिर से यहाँ पर एक और दो की यहाँ पर बात आती है। चलिए वचन 25 देखते हैं। इसलिए, अब यहाँ पर इसलिए ये संबंध बताता है कि पहले क्या बताया गया है और अब क्या कहा जा रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अब यहाँ पर उसने कहा है कि ये आंखों के बारे में जो कुछ उसका आपको याद रखना है, क्योंकि कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि कोई विचार न लो अपने जीवन के लिए कि क्या खाओगे और क्या पियोगे, न अपने शरीर के लिए कि तुम क्या पहनोगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? अब इसका क्या संबंध है कि एक चित्त होना, इसका संबंध वहां पर अपने खाने और पीने की चिंता करने से क्या है? देखिए वो कैसे जोड़ता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपकी दृष्टि एक नहीं है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर में नहीं है, उदाहरण के लिए वचन जो कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक जरूरत को पूरी करेगा मसीह यीशु में, यदि आपकी आंखों से एक बात पर टिकी नहीं है, उस एक ही बात पर आप आगे पीछे नहीं जाते, हाँ अभी हाँ, नहीं तो कभी, नहीं तो नहीं, एक नजर के हो। यदि आपकी आंखें गौर नहीं करती हैं तो आपको विश्वास करने में समस्या होगी, फिर आपको चिंता की परेशानी होगी। और इसलिए वो कहता है कैसे आपके जो नजरिया है वो एक होना चाहिए, और फिर कहता है कोई विचार न करना। क्यों? अब आप एक विचार के हैं, वो दूसरा विचार न लेना। अब आपने अपनी दृष्टि लगाई कि प्रभु आपकी जरूरत कैसे पूरी करेगा, इसलिए दूसरी चीज को न ले, वो दूसरी चीज जो दूसरा पर्याय वहां पर रखा है, जो कि अपनी मुश्किल और समस्याओं को देखना है। आपने अपने मन में ठान लिया है कि आप गौर करेंगे, एक चित्त के हो जाएंगे, इसलिए दूसरी चीजों को न देखे, इसलिए विचार न करना। सब लोग कहे इसलिए विचार न करना। देखिए परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल है, जहां तक कि मेरे लिए इसके अर्थ की बात आती है। ये तो बहुत सरल है और एक साधारण व्यक्ति के लिए, ये कोई थियोलॉजियन के लिए ही नहीं है, बहुत ही सरल बात है। यदि हम बस रुक के देखें, आगे पीछे की बातों को देखें, अगर आप बस इसे ले ले, पवित्र आत्मा इसे समझने में आपकी मदद करेगा। ये संसार में सबसे मुश्किल बात नहीं है। देखिए तो यीशु कहता है यदि तुम एक चित्त के हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं यह विचार न करना कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे और तुम क्या पहनोगे। देखिए यहां पर यह संपर्क तो है एक चित्त होने के बारे में कि प्रभु के वचन पर गौर करना और कैसे वो आपकी जरूरत पूरी करेगा, और चिंता के साथ। अगर आप एक चित्त के हैं तो फिर आप चिंता नहीं करेंगे। अगर आप एक चित्त के हैं तो आपका कोई भी संबंध नहीं है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कौन से कपड़े पहनेंगे, क्योंकि आपकी आंखें लगी हैं कि प्रभु कैसे आपकी जरूरत पूरी करेगा। हेलो, आप दो चीजों पर आंखें नहीं रख सकते हैं, दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते, वो बस यही है, ये अलग अलग नहीं है, ये इसी के बारे में, इसमें संपर्क है। आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, ये नहीं कि हाँ प्रभु की सेवा करेंगे और दूसरी बातें नहीं, दो स्वामी की सेवा नहीं हो सकती है। आपकी नजर एक ही हो, अगर आपकी दृष्टि एक ही है तो आप इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि आपका भोजन कहां से आता है, आपके कपड़े कहां से आएंगे और कहां से पीने के लिए आएगा, आप उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, आप उन विचारों को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने पहले उस विचार को ले लिया है कि कैसे परमेश्वर आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा। हेलो, आज मैं बहुत ही उत्साहित हूं। ओ, मैंने कितनी बार इन बातों के बारे में प्रचार किया, लेकिन अभी भी रोमांचित करता है कि इन चीजों के बारे में प्रचार करें, क्योंकि ये बहुत ही असली है। हाँ, तो परमेश्वर कहता है कोई विचार न लें, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई विचार न लें, और ये इसलिए जो है आपको जोड़ता है उस मामले से कि आंखें देखती हैं। अगर आपकी नजर एक है तो इन विचारों को लेने की कोई जरूरत नहीं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। यदि आपकी आंखें एक नहीं हैं, अगर आप यहां वहां लहराते हैं, दुचित्ते मन के हैं, संदेह वाले व्यक्ति हैं, तो फिर उस व्यक्ति के जो चरित्र गुण हैं वो ऐसे होंगे। वो चिंता करेगा कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और वो क्या पहनने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। वचन 26, आकाश के पक्षियों को देखो, वो न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ, देखिए आकाश के पक्षी वो बोते नहीं हैं, वो न काटते हैं। वो ये क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि हम में से कुछ लोग इतने आधुनिक हैं कि हम इस अर्थव्यवस्था की बातों में इतने फंस चुके हैं, मंदी और तेजी की बात, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स और ये सारी चीजें, और इसलिए कहता है कि आकाश के पक्षी किस तरह के स्टॉक मार्केट और इंडेक्स के अनुसार चलते हैं। उनके स्टॉक मार्केट की परिस्थिति क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, उनका प्रधानमंत्री कौन है, हेलो उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, क्या उनका सेटअप है, उनकी सरकार है, कोई सिस्टम है उनका। और इसलिए वो कहता है उनके पास कुछ नहीं है, कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है कोई बजट नहीं है, हेलो कोई बजट नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, ऐसा कोई सेटअप नहीं है। लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। दूसरे शब्दों में कहता है आपकी जरूरत और आपका प्रयोजन आपके देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं है, देश की दशा पर नहीं, और वो सब जैसे चल रहा है उसकी दशा में नहीं कि कैसे स्टॉक मार्केट मंदी और तेजी चल रही है, इंडेक्स और ये सारी बातें, ये सब तो वहां है, लेकिन प्रभु उन सबसे अलग है। जंगल में कौन सी अर्थव्यवस्था थी जहां उन्हें ट्रक भर भर के उसने मटन खिलाया था? कौन सी अर्थव्यवस्था थी जिससे स्वर्ग से मन न बरसा था? वो सरकार कौन सी थी जब उसने चट्टान से पानी निकाल कर दिया था? हेलो, किस तरह की सरकार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वहां पर था जब वो उन्हें लाल समुंदर में से लेकर गया और बस ऐसे ही लाल समुंदर से उन्हें पार करवा दिया, ऐसे ही, बस बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुल बनाया जाता है, वो उस पार ले गया। वहां कुछ नहीं था, कोई भी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, प्रभु ने बस ऐसे ही बनाया। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर जो भी कहता है उन सारी बातों से हटकर, इसलिए ये मत कहना हाँ परमेश्वर ने कहा है वो मेरी सारी जरूरत पूरी करेगा, लेकिन आप जानते हैं भाई परिस्थिति तो ऐसी है। नहीं, आप ऐसी मत कहिए कि परिस्थिति ऐसी है, क्योंकि इसका प्रभु से संबंध नहीं है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अद्भुत है, वो महान है, वो उससे बिल्कुल अलग है, उसे उन पर आधारित नहीं रहना है। वो अपने उस असीम धन पर आधारित रहता है कि उसमें से सब कुछ निकाले और आपको भोजन दे। आमेन। know who I am. I am secure, I'm confident that I am loved.